जिले में बड़ौत के ग्राम खजूरी में चल रही 5 दिवसीय वेद कथा का बीते दिन समापन हुआ। वेद कथा का वाचन हरियाणा करनाल की दीदी अंजलि आर्य द्वारा किया जा रहा था। कथा के समापन अवसर पर ग्राम सरपंच मेहरबान सिंह चौहान और आयोजन समिति द्वारा अंजलि आर्य का स्वागत किया गया और साथ ही महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास क्षेत्र के भक्तजन मौजूद रहे। वेद कथा जो है वेद ईश्वरीय वाणी है और आज ये कहा जाता है कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वो वेद है, तो उसी वेद का ये प्रचार प्रसार है जिसके माध्यम से हम जागरूक करने का कार्य समाज में, चाहे वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्योंकि वेद सबको शिक्षित करने का अधिकार देता है। जैसे यहाँ पे इसी क्षेत्र के अंदर बाल विवाह की कुरीति है, तो आज जो कानून हमारी सरकार का बना हुआ है कहीं ना कहीं वो उसी पद्धति से निकल करके आया है। वेद भी कहता है कि जब कोई युवक और युवती ग्रस्त आश्रम में धारण करे तो युवक की आयु जो है वो 25 वर्ष की और लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। तो इसी के माध्यम से हम जागृति कर रहे हैं, सत्र से प्रचारित कर रहे हैं, अच्छे संस्कारों के साथ विचारों के साथ युवाओं को जोड़ते हैं और इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जैसे इस गांव के अंदर भी सरपंच जी के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया तो बहुत सफल और सार्थक कार्यक्रम रहा और निश्चित जो विचार 5 दिनों तक यहाँ से दिए गए हैं जनता पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसका मैं आशा। आगर मालवा से नंद किशोर काले की रिपोर्ट।